पंचमी कौन सी तिथि पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सुख अनुभव हो जाए कार्य सिद्ध, जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है, संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब तो उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, एक का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए। 3 मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंडेय जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर, अगर तूने शंकर का भजन करा तो यह पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडेय जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष, पूछा पिता जी से, चरण पकड़कर मार्कंडेय जी पूछते हैं मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा, हाँ प्राण छूट जाएंगे, हाँ कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडेय को वो चरित्र याद, आज अंतिम दिन 12 वर्ष की वो घड़ी वो पल वो क्षण आ गया जब मार्कंडेय जी के प्राण छूटना है, समय आ गया। मार्कंडेय जी के पिता जिसे कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ, पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडेय जी भी लग गए। मार्कंडेय जी को लेने के लिए यमदूत आ गए, डर गया, थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर कर्मोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही ढेसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप, डर लग गया 12 साल के बच्चे को, उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया, शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है, और तब तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया, यमराज पीछे हट गया कि ये अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडेय जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है, वैदिक तांत्रिक शाब्दिक, मंत्र के 3 क्रम है, तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है, इसको जब ब्राह्मण जपता है कुसा का आसन बिछाकर मौन रहकर घट की जिभ्या से जपता है, अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान, सामने कलश स्थापन कर
प्रेम से 1,100, 11,000 सवा लाख अनुष्ठान किया जाता। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, ना तप साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी। हाँ, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण शंकर की साक्षी में होना चाहिए। वो 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र, शिव की साक्षी में। पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, सोचादि कर्म में जा रहे हो और वो डब्बा लगा दिया, अब मंत्र चल रहा है, आप मन से बोलिए, बोलना आवाज नहीं आना चाहिए। आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब